हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी भी कंफ्यूज है कि वो ईओआर अप्लाई करें या ना करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे 4 स्टूडेंट्स ने ईओआर अप्लाई किया, जिसमें से 3 स्टूडेंट्स का रिजल्ट पॉजिटिव है। या तो उनका हाफ बैंड इंक्रीमेंट हुआ है या 1 बैंड या 1.5। तो आप देख सकते हैं कि 90% स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम ये कह के एनकरेज नहीं कर रहे कि सब लोगों को ईओआर अप्लाई करना चाहिए, सिर्फ उन लोगों को ईओआर अप्लाई करना है जिनकी परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छी रही। अगर आपकी परफॉर्मेंस राइटिंग और स्पीकिंग में अच्छी थी और आपको लगता है आपका स्कोर कम है, तो यू मस्ट गो फॉर एन ईओआर। रीजन, क्योंकि अगर आप ईओआर इंक्वायरी ऑन रिजल्ट अप्लाई करेंगे तो 2 इंडिपेंडेंट एग्जामिनर आपका दोबारा से चेक करेंगे स्पीकिंग और राइटिंग। उसके बाद वो लोग स्कोर देंगे। अगर वो स्कोर पहले के स्कोर से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स आपका स्कोर इंक्रीज होके आएगा, लेकिन अगर उनको भी लगता है कि आपका स्कोर वही ठीक है तो देयर विल बी नो चेंज। और मैं इस वीडियो से उन स्टूडेंट का कंफ्यूजन भी दूर करूंगी जो मुझे कॉल या मैसेज करते रहते हैं कि कहीं स्कोर डिक्रीज तो नहीं होगा। मैंने अपने इतने सालों के करियर में कभी भी किसी का स्कोर डिक्रीज होते नहीं देखा। हाँ, नो चेंज बहुत बार आता है, लेकिन इन दिनों सबसे अच्छी बात यह है कि अगर 5 स्टूडेंट्स ईओआर अप्लाई कर रहे हैं तो 3 का रिजल्ट तो पॉजिटिव आ ही रहा है। इसका मतलब ये है कि कैंडिडेट अपनी बात अच्छे से कन्वे नहीं कर पाया उस एग्जामिनर को जो उसकी राइटिंग चेक कर रहा था या उसकी स्पीकिंग कंडक्ट कर रहा था, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग परसेप्शन होता है। वैसे तो एग्जामिनर्स आर वेल ट्रेन्ड, अनबायस्ड, दे नो द क्राइटेरिया, उनके पास असेसमेंट क्राइटेरिया है, वो वही फॉलो करते हैं, बहुत फेयर होते हैं। लेकिन कई बार हो सकता है कि आप उस तरीके से उनको अपनी बात कन्वे नहीं कर पाए जो कि तो दूसरे इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स को आपकी राइटिंग या स्पीकिंग में वो बात लग गई, तभी आपका बैंड स्कोर इंक्रीज होता है। इससे हम ये प्रमोट नहीं कर रहे कि कोई भी कैंडिडेट जो ईओआर अप्लाई करेगा उसका स्कोर इंक्रीज होगा ही, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। और इसकी एग्जाम्पल आपको इस वीडियो में दिख जाएगी। हम कुछ ऐसे रिजल्ट दिखा रहे हैं जो हमारे स्टूडेंट्स के हैं और उन सबका स्कोर इंक्रीज हुआ है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक बात और मैं कहूंगी, अगर आपको राइटिंग स्पीकिंग पे अपने कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं आया तो ईओआर जरूर अप्लाई करना, लेकिन लिसनिंग रीडिंग में ईओआर अप्लाई आपने नहीं करनी, क्योंकि उसमें आपका स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसमें ओएमआर शीट पे आपने आंसर लिखे हैं और उसकी चेकिंग कंप्यूटराइज है, उसमें वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स हैं, उसमें इंक्रीज होने का चांस निल है। लेकिन राइटिंग स्पीकिंग में बहुत ब्राइट चांसेस हैं, तो आप जरूर अप्लाई करें इन केस यू फील यू कैन स्कोर मोर। आप लेस स्कोर पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, चांस जरूर ले ईओआर का। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस डू सब्सक्राइब आवर चैनल।